पेश है मुमरा का आलीशान ढाबा, जहां का स्वाद आपको छू जाए और आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहां पर क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। स्पेशल डिश में पाए चिकन अचारी ड्राई, चिकन हाउसिंग ड्राई, सलोनी ड्राई, हफ्सा राइस और भी लजीज पकवान, बेवरेज आइसक्रीम और फालूदा, फ्री होम डिलीवरी। इसके अलावा दस्तरखान, फैमिली रूम, वलीमा और बर्थडे सेलिब्रेशन स्पेस अवेलेबल। तो आज ही आए आलीशान फैमिली ढाबा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुम्बरा रेती बंदर पर अज्ञात महिला की जो लाश मिली थी, मुम्बरा पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी के नाम नवाब नूरू शेख और जबकि दूसरे आरोपी का नाम सलमान उर्फ रंजन कल्लू है। थाने में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी गणेश गावड़े ने बताया है कि मुम्बरा रेती बंदर पर सेलो टेप से पैक की गई अज्ञात महिला की जो लाश मिली थी, उस महिला की पहचान उमेजान उर्फ मुन्नी 28 वर्षीय के रूप में हुई है। मुंबई के वर्सोवा में रहने वाले नवाब नूरू शेख अपनी बीवी उमेजान पर शक किया करता था और इसी मामले को लेकर नवाब ने उमेजान की हत्या कर दी थी और इस हत्या में उसका साथ सलमान उर्फ रज्जन कल्लू ने दिया था। हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए लोग टेम्पो लेकर आए और चादर, फिर प्लास्टिक और सेलो टेप लगाकर लाश को पैक किया और फिर मुम्बरा रेती बंदर पर लाकर फेंक कर चले गए ताकि कोई इन्हें पकड़ ना पाए। मगर मुम्बरा पुलिस ने इस मामले की तहकीकात के लिए 3 टीमों का गठन किया था और सीसीटीवी की मदद से पहले सलमान उर्फ रज्जन कुल्लू को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुंबई से फरार आरोपी नवाब नूर शेख को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किया गया, जो बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हत्या के मामले को लेकर खुलासा करते हुए डीसीपी गणेश गावड़े ने पूरी जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। 21 मई 2023 को पुलिस स्टेशन मुम्बरा के हद में रेती बंदर में एक डिकम्पोज डेड बॉडी मिली थी, उसमें मैगर्स डेवलप हुए थे, उसमें गले पर ओढ़नी लपेटी हुई थी, बेडशीट में वो बॉडी लपेट कर एक बोरी में डाला था और वो बोरी को सेलो टेप से पैक किया था। वो डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस स्टेशन मुम्बरा में CR नंबर 575/2023 ये IPC की 302 और 201 की धाराओं के अनुसार मर्डर का गुनाह दाखिल किया गया। उसके डिटेक्शन के लिए टोटल 3 टीम्स फॉर्म की गई। जहां पे डेड बॉडी मिली वहां ऑफेंस डिटेक्ट करने के लिए CCTV चेक करने के लिए एक टीम लगाई, वो CCTV चेक कर रही थी। दूसरी टीम मिसिंग जो वर्णन था 25 से 30 साल की वो डिसीज्ड उनका उम्र थी, तो वो कोई डिसीज मिसिंग है, कोई औरत मिसिंग है, इसके बारे में पुलिस स्टेशन ठाणे सिटी, ठाणे रूरल, नवी मुंबई, मुंबई शहर और मीरा भाईंदर यहाँ पे मिसिंग चेक किए। ये चेक करते समय मिसिंग में हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन CCTV में जो VPI उगल मुगले इनकी टीम चेक कर रही थी, तो 3 दिन पहले यानी 24 मई को रात को 10 बजे एक रेड कलर के टेम्पो की मूवमेंट, सस्पिशियस मूवमेंट वो जगह पर दिखी। वो बैक ट्रैक कर की तो गाड़ी के बारे में जानकारी मिली, वो गाड़ी जिस आदमी के नाम पे थी वो थे नवाब नूरू शेख, ये वर्सोवा अंधेरी पश्चिम मुंबई के रहने वाले थे। उनके घर पर जाके और ज़्यादा पूछताछ की, वहाँ पर पूछताछ करने के बाद जानकारी मिली वो और उनकी वाइफ 2 दिन से ये नहीं है और 3 दिन से उनकी वाइफ वो नहीं है। तो फिर वहाँ पर इंट्रोगेशन शुरू था, उसके साथ ही वो आरोपी नवाब वो वहाँ पर नहीं थे। उनके सर्च के लिए एक टीम हमारी UP गई और दूसरी टीम मुंबई में इस ऑफेंस के रिलेटेड इंक्वायरी शुरू थी। तो मुंबई की टीम को ये इंक्वायरी करते समय जानकारी मिली, उन्होंने CCTV चेक किए, तो CCTV में जिस दिन ये आरोपी बाहर गया था, वो वाइफ उनकी जिस दिन से गायब थी, वहाँ पर एक 20 साल के लड़के की सलमान अलायस रज्जन कुल्लू खान उनकी कुछ मूवमेंट सस्पिशियस लगी, तो उनको इंट्रोगेट किया। तो सलमान उर्फ रज्जन कुल्लू खान इन्होंने बताया कि आरोपी नवाब
इन्होंने नवाब शेख इन्होंने उनकी पत्नी की हत्या की है। हत्या करते समय गले में गला दबाकर नवाब ने गला दबाया और सलमान ने उनके जो डेथ हुई वो मुन्नी उनके पैर पकड़ के रखे थे। इसके ये इंक्वायरी शुरू थी। इस वक्त दूसरी टीम हमारी पश्चिम बंगाल में गई थी नवाब के घर। वहाँ पे मुर्शिदाबाद और वर्धमान ये डिस्ट्रिक्ट में 8 दिन तक हमारी टीम रही। पश्चिम बंगाल पुलिस की मदद लेकर हमारी टीम ने वहाँ पे सर्च शुरू रखा और आरोपी को मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से हिरासत में लिया गया। उसको बहिरामपुर कोर्ट में प्रोड्यूस कर उसकी ट्रांजिट रिमांड ली और उसको पुलिस स्टेशन मुमरा लाया गया। यहाँ पे अब तक वो पुलिस कस्टडी में है। 17 तारीख तक उनको पुलिस कस्टडी मिली है। वो आरोपी को अरेस्ट करने के बाद इंट्रोगेशन में उसने बताया उसकी बीवी उम्मेजान बीबी उर्फ मुन्नी नवाब शेख जिनकी उम्र 26 साल है उनसे 2012 में उनकी शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद वो दोनों में झगड़े थे और आरोपी उसके कैरेक्टर पर डाउट लेता था। उस वजह से उनमें झगड़े थे और झगड़ों के कारण ही उसने 24 मई 2023 को दोपहर 2 बजे उनको गला दबाकर उड़नी से उनको मार दिया गया था और वो पकड़े ना जाए इसलिए बॉडी डिस्पोज करने के लिए एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने वो बॉडी आरोपी नंबर 2 उसके साथ मदद लेके उन्होंने रीति बंदर मुमरा के हद में फेंक दी थी। उनको ऐसे लगा था कि आरोप वो गुनाह डिटेक्ट नहीं होगा, लेकिन हमारी टीम ने बहुत अच्छे एफर्ट्स लिए और वो ऑफेंस डिटेक्ट किया है। इसमें हमारे ACP श्री विलास शिंदे, पुलिस स्टेशन के सीनियर PI निवृत्ति कोलटकर, पुलिस स्टेशन में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है बाबा PI निकम, वो और जो हमारी टीम ने बहुत बढ़िया काम किया वो API उगल मुगले, API बोरसे, API कुंभार, PSI भोसले और टेक्निकल सपोर्ट जिन्होंने किया वो PSI मकानदार, ASI जाधव और हमारे पुलिस कांस्टेबल माली और बाकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। ये जो सलमान है ये नवाब का कोई रिश्तेदार था या पहचान था या पहचान का था? पहचान का सर। जिस तरीके से शक की बुनियाद पर अगर हत्या कर देना, क्या कोर्ट का सहारा या पुलिस की सहारा लेकर अगर मतभेद में अलग हो जाने ये भी चूज कर सकते, लेकिन हत्या करना है किस तरीके से? हत्या करना गलत है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको उसके ऊपर गुनाह दाखिल होकर उनको सजा भी होगी। आरोपी पेड ट्रिमिंग का काम करता है और उसने पूरा उसको ये कॉन्फिडेंस था कि वो गुनाह किसी भी हालात में पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी टेक्निकल एनालिसिस CCTV और हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस इसकी वजह से हमने आरोपी को अरेस्ट कर लिया। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से दो परिवार में मतभेद होता है औरत और आदमी के बीच में, तो वो किस तरीके से आप लोगों को आह्वान करना चाहोगे कि इसमें हत्या के बजाय दूसरा सहारा भी ले सकते हो, कोर्ट हो या पुलिस प्रशासन तरफ से? किसी भी प्रकार से झगड़ा होगा, किसी भी प्रकार की वायलेंस होगा तो पुलिस स्टेशन में आना चाहिए। पुलिस स्टेशन में ऑफेंस रजिस्टर कर सकते हैं या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 उसके अनुसार भी मदद की जा सकती है, लेकिन झगड़ा करना, मारा पीटी करना या ऐसा क्राइम करना ये गलत है। सर ये दो आरोपी को पुलिस कस्टडी कब तक है? 17 तारीख तक। यस, थैंक यू।